श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हमारे घर पे कल मेहमान आए थे, जैसे कि हमने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था, और आज वो चले गए हैं अपने घर। तो अब हम बना रहे हैं खाना, और रश्मि भी मेरे साथ है। वो यहाँ पे बाहर बहुत ठंड हो रही है, तो हम ऐसे बैठे हैं बस यहाँ पे। अब सोच रहे हैं हम कि खाना क्या बनाए, तो आज दिखाते हैं हम आपको कि आज हम क्या बनाएंगे। कुछ नया ही बनाएंगे। तो आज हम आप साग बना रहे हैं ना, साग। अच्छा, तो आज हम साग बना रहे हैं। अच्छा, हाँ तो अब हम बनाने जा रहे हैं साग। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए आगे हमें। फ्रेंड्स, ये कौशल और रोशनी मुझे कल से कह रहे थे कि कांठी रोल खाना है, तो अब हम जा रहे हैं चौराहे कांठी रोल खाने। और आज मैं जिम नहीं गई हूँ क्योंकि इन्हें आज मुझे कांठी रोल खिलाना है। तो दोस्तों, रोशनी और मैं निकल चुके हैं घर से, अब जा रहे हैं। कौशल कहाँ पे है? बाहर वेट कर रहा हमारा कि चला गया? कहाँ है वो? फोन कर कौशल को। भैया आ जाओ नीचे जल्दी चल। अरे ना, दीदी कांठी रोल का इंतजार करते हुए। हम 2 दिन से प्लान बनाते हैं कांठी रोल खाने का, तो फाइनली हम आ गए और हम वेट कर रहे हैं। अभी भैया ने कहा कि 20 मिनट लगेंगे, तो मैं और रोशनी मैं तो क्रीम रोल भी खा लिया और जूस भी पी लिया। बस ये तो छोटी बच्ची, इसने तो खा लिया, पर अभी हम उनका भी मतलब वेट कर रहे हैं। और कौशल हमारा कर रहा है घर पे वेट, और हमें जाना है कुछ जल्दी से। रोशनी ने ले ली कांठी रोल। क्रीम रोल के भी दे दी, क्रीम रोल था। कितने थे? तो गाइस ले लिए हमने स्प्रिंग रोल। अब जा रही है रोशनी घर। अभी हमने अपनी स्कूटी थोड़ा दूर खड़ी करी है, तो हमें वहां तक पैदल जाना पड़ेगा। आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। ये उसका फिर सब कुछ हो गया, कांटे रोल पैक बुक हो गए, अब घर जा रहे हैं। कम वर्षदी गाइस, ये मेरी फेवरेट मिठाई है। मतलब मिठाई मेरी सारी फेवरेट होती है, आप कोई भी लाके दे सकते हैं। हम बना रहे हैं आज साग। साग जो मतलब हरी सब्जियों, हरी सब्जी, राई, धनिया, पालक, फॉग, स्नो फूड, ऐसे घोटना पड़ता है साग को अगर देसी स्टाइल में बनाना था। ये नहीं कि बस मिक्सी में डाला और सीधा चला दिया, वो बहुत ही बेकार लगता है, टेस्ट नहीं होता उसमें कुछ। पकाते पकाते घोटने का साग का टेस्ट बनता है। हमारा साग बनके तैयार हो चुका है, और अब हम रोटी बनाने वाले हैं। आग भी जल रही है। इन्हें देखो जरा, पैर बिल्कुल चूल्हे में ही घुसा रखे हैं इन दोनों। ये यहाँ बैठे हैं। हाय गाइस, मैं मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं बर्फ देखने जाऊँ मसूरी, पर ये ऐसे बेशरम लोग हैं कि मेरे को ले जाने के लिए तैयार। 2 घंटे के लिए बर्फ में जाते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये उर्मिला ऐसी है कि हमें ना बर्फ दिखाने लेके जा रही, और अपना पिछले साल रह के आई वहाँ पे 2 दिन,
और ये रोशनी भी तो बर्फ के बीच से ही आई, पर मैंने आज तक बर्फ नहीं देख रखी। ओह माय गॉड, इसने बर्फ नहीं देख रखी। सो हम दोनों एक जैसे हैं, अब देख लो आप रोशनी, ये तो देखना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।